कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने, उनकी मदद करने और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई अभय कमांड स्टूडेंट सेल की शुरुआत हो गई है। इस सेल में कोई भी कोचिंग स्टूडेंट कभी भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी अवसादग्रस्त बच्चों से खुद संवाद करेंगे। सेल में एक इंस्पेक्टर, 3 SI और 7 कांस्टेबल सहित महिला पुलिस कांस्टेबल्स भी तैनात रहेंगे। कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने के लिए ये सुविधा 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। मोबाइल पर भी छात्रों की काउंसलिंग होगी और ज़रूरी होने पर बच्चों के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी समय समय पर रूबरू होंगे। इस स्टूडेंट सेल का उद्घाटन ADG आलोक वशिष्ठ ने किया था। तो कोरोना काल रहा, उस समय अपराध के अंदर काफ़ी कमी थी, उसके मुकाबले वर्ष 2022 के अंदर अपराध थोड़ा सा बढ़ावा अवश्य दिखता है, किंतु जो नॉर्मल ईयर्स हैं कोरोना की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो उसकी अपेक्षा अपराध की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रही है और वर्ष 2023 में तो अपराध के ऊपर और भी बेहतर नियंत्रण रहा है। कोटा पुलिस का काम अवैध धंधे करने वाले असामाजिक तत्व जो हैं, NDPS एक्ट की कार्रवाई है, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई है, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई है, उन सब में इस वर्ष कामकाज काफ़ी बेहतर रहा है। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन वज्रप्रहार जो किया गया था, एरिया डोमिनेशन की जो कार्रवाई थी, उसमें सबसे पहले पहल कोटा। आपको बता दें कि सुसाइड को रोकने के लिए जो कोचिंग नगरी है, शिक्षा नगरी है, इसमें लगातार कभी कभार जो स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें सामने आती रहती हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए इस अभय कमांड सेंटर की शुरुआत की गई है। और उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ में। शाकिर, पुलिस की तरफ से कि बहुत ही नेक पहल कह सकते हैं, क्योंकि कोचिंग के छात्रों की अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। जी बिल्कुल, ये कोटा पुलिस की जो है अनूठी पहल है और इस पहल के तहत पुलिस ने जो है स्टूडेंट सेल की शुरुआत की है। जो एडिशनल SP है ठाकुर चंद्रशील, ये उनके प्रयास हैं और ये प्रयास जो है वह रंग भी लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोचिंग स्टूडेंट्स के डिप्रेशन में आने के बाद सुसाइड के मामले लगातार सामने आते हैं, तो ऐसे में ये सेल शुरू की गई है कि कोई भी स्टूडेंट अगर परेशान है या किसी तरह का उसके साथ छोटा मोटा अपराध हो गया है तो वो सीधे जो है सेल से संपर्क कर सकता है और वो ये पूरी बकायदा यहाँ पर एक पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा जो काउंसलिंग के साथ साथ अगर किसी बच्चे के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है तो वो संबंधित थाने को से संपर्क करके उस पर कार्रवाई करवाएगा, क्योंकि कोटा में बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं और देश भर से बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में बिल्कुल शाकिर एक तरफ से घरों से दूर होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि गलत संगत में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं और शायद अपने जीवन को खत्म करने का सोचते हैं, तो पुलिस यहाँ पर काउंसलिंग के साथ साथ क्या उन्हें ये भी समझाएगी कि अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गए हैं तो उससे कैसे दूर रहा जाए? जी देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कोटा पुलिस ने ये अभियान ही जो है स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, तो ऐसे में अगर कोई अभिभावक को भी कोई शिकायत मिलती है अपने बच्चे की, अगर वो दूर है अपने बच्चे से, दूसरे शहर में है और बच्चे की कोई शिकायत मिल रही है तो अभिभावक भी जो है इसकी शिकायत अपने कर सकते हैं और इसमें भी पुलिस जो है बच्चे से काउंसलिंग करेगी जी। तो पूरी तरह से ये कोचिंग स्टूडेंट्स को समर्पित पहल है और इसमें उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से लगातार कोटा में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा और जो कोचिंग स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार हैं वहां तक भी पुलिस पहुंचेगी और उनकी काउंसलिंग करके उनको जो है पूरी तरह से संतुष्ट करेगी कि आत्महत्या करना जो है, आत्मघाती कदम उठाना जो है ठीक बात नहीं है और भी कई सारे रास्ते हैं। शाकिर लगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से ही कोई अपराध हो जाए या वो कानून को गलती से हाथ में ले ले, किसी प्रभाव में आकर हाथ में ले ले, नशे का आदि हो जाए या इस तरह के गलत रास्ते पर चल पड़े, तो तब पुलिस किस तरह से समझाइश करेगी, क्योंकि पुलिस का ही डर होता है? देखिए, ऐसे भी मामले कोटा में सामने आए हैं, इससे पहले भी जो है कई बार जो है कई स्टूडेंट अपराधी प्रवृत्ति में जो है लिप्त हो गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा भी सामने आता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया वो दूसरी संगत में पड़ गया और वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया, लेकिन ज्यादातर बात सामने पूरे उसमें फोकस ये रहेगा कि कोचिंग स्टूडेंट्स पर ये जो है पूरी टीम फोकस करेगी। अब तक पुलिस जो है
कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर के अलग से कोई थाना या अलग से कोई टीम यहाँ पर गठित नहीं थी। अब जो ये टीम गठित की गई है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ये पूरा जो है सेल चलेगा, तो जाहिर तौर पर स्टूडेंट के लिए मददगार साबित होगा और अभिभावकों को भी संतोष प्रदान करेगा जो अपने बच्चों से बहुत दूर रहकर के यहाँ पर उनको भेज रहे हैं। जी शाकिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी शाकिर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने सुसाइड के केसेस को रोकने के लिए एक अलग सा सेल बना दिया है, जहां पर ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके गार्जियंस भी पुलिस के संपर्क में आ सकते हैं, और यदि पढ़ाई को लेकर के, किसी अपनी संगत को लेकर के कोई भी जानकारी साझा करना चाहे तो बेझिझक होकर कर सकते हैं।